हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको बताओ वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज इसका लेक्चर नंबर 18 है, तो हम 18th लेक्चर पे आ गए हैं। और आपको याद होगा कल हमने रात में ही स्टार्ट की थी अपनी दैट इज इवनिंग सीरीज, जिसमें हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आई थिंक उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको, तो हम उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तो नहीं, मतलब आज तो नहीं आएगा उसका सीरीज का। मैंने आपको बताया हर दो दिन में दे वुड बी अ लेक्चर ऑन इवनिंग सीरीज। विल लेट यू नो कि इवनिंग में किस इवनिंग में आएगा, दैट इज ऑन ट्यूजडे। ओके, तो चलिए मंडे को लेक्चर नंबर 18th जो है उसको स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज सिंपल क्वेश्चन है। डिजाइन ऑफ भारत रत्न इज लुक लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। याद रखिए किस ट्री की लीफ के अकॉर्डिंग याद रखिएगा आपका भारत रत्न का डिजाइन दिखता है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर आप आई थिंक मार्क कर सकते हैं ए बी सी डी में से, ऑप्शन में से। यस, द करेक्ट आंसर इज पीपल। तो आई थिंक भारत रत्न आपने देखा भी होगा, बट मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं रिलेटेड टू भारत रत्न। देखिए ये तो भारत रत्न जो पीपल की लीफ की तरह आपको दिखता है, ठीक है। याद रखिए रिसेंटली भारत रत्न किसको मिला हुआ, प्रणब मुखर्जी को मिला है, हु वाज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाना देशमुख को 2019 सोशल एक्टिविस्ट थे, और भूपेन हजारिका जो असम के बिलोंग करते हैं 2019 में इनको ही मिला है। ही वॉज अ इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिक्स, म्यूजिशियन, याद रखिएगा। एंड ही बिलोंग टू विच प्लेस, दैट इज असम। तो ये रिसेंटली भारत रत्न इनको मिला है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था, ठीक है, उनके नाम आपको मेंशन करना है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो इंडियन नहीं थे बट दे गॉट द भारत रत्न। तो ऐसी पर्सनैलिटी कौन है उनके नाम जरूर मेंशन करें। ये दोनों क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बताना है, टिल नाउ कितने भारत रत्न हम दे चुके हैं, मतलब हाउ मेनी पर्सनैलिटी हैव गॉट द भारत रत्न, ठीक है। तो आप मुझे टोटल नंबर्स बताएंगे कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इजी क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज कॉल्ड एज टॉप स्लिप। किस नेशनल पार्क को हम टॉप स्लिप नेशनल पार्क भी कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, सेकेंड है मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, या पलानी हिल्स नेशनल पार्क। तो आई थिंक यू कैन गेट द करेक्ट आंसर, आपने पढ़ा है तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी स्टेट पीसीएस में, इवन यूपीएससी के 2003 में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। याद रखिएगा दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, जिसको हम अनामलाई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इफेक्टेड इन 1951। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में हुआ था, क्या ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है पहली मीटिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9th December 1946। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर डी है, क्योंकि ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। रिमेंबर फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल वॉज एडेड, ओके, और स्टार्टिंग में 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थे, और फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 में जब पहली मीटिंग हुई थी तो किसने, हु वाज बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक्चुअली वो टेम्प्ररी प्रेसिडेंट थे, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो टेम्प्ररी प्रेसिडेंट कौन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके, उन्होंने पहला सेशन प्रिसाइड भी किया था। ओके, तो इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसमें इनकरेक्ट तो कोई स्टेटमेंट था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में आते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एग्जाम में आ सकता है। याद रखिएगा दर्रा नेशनल पार्क ये कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र में, उड़ीसा, राजस्थान या पंजाब। तो आई थिंक इफ यू हैव नॉट लिसन अबाउट दिस नेशनल पार्क, इट इज एन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, याद कर रखिए इसको। ये लोकेटेड है राजस्थान में, रिमेंबर दर्रा नेशनल पार्क एग्जाम में आ सकता है, इट इज लोकेटेड वेयर, दैट इज इन राजस्थान। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। What is the other name of Aurora Borealis? याद रखिएगा Aurora Borealis को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, बहुत फेमस फिनोमेना है ये Aurora, ठीक है। तो ऑप्शन है पहला नॉर्दर्न पोलर लाइट्स, दूसरा है सर्दर्न पोलर लाइट्स, थर्ड है सोलर विंड्स, या डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आई थिंक आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, बहुत से लोग डी लगा रहे होंगे बोथ ए एंड बी, तो ये आंसर गलत है अगर आपने बोथ ए एंड बी लगाया है। आप सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर इज ए, नॉर्दर्न पोलर लाइट्स। ये मैं ऑलरेडी अपने जो मेरा लेक्चर सीरीज है
जिसमें मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर वो आपको लेक्चर्स देखने हो तो आप नीचे वेबसाइट पर जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी करा रखा है ये अपने क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक पे। तो नॉर्दर्न पोलर लाइट्स इसका आंसर है बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ ऐसा फिनोमिना नॉर्थ पोल के साइड दिखता है, क्लाउड्स में कुछ ऐसी नॉर्दर्न पोलर लाइट्स आ जाती हैं जिसको हम ऑरोरा बोरेलिसिस कहते हैं। साउथ पोल में इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहते हैं। रिमेंबर, तो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, तो मैं फिनोमिना तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर इज ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक इंपॉर्टेंट गेम पूछा है, दैट इज बुल फाइटिंग। पूछा है किस कंट्री का ये नेशनल गेम है। ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, हंगरी या पोलैंड। तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है कि इनमें से किसका बुल फाइटिंग इज अ नेशनल गेम। रिमेंबर, तो नेशनल गेम किस कंट्री का है, इसका करेक्ट आंसर इज बी, स्पेन। याद रखिए बुल फाइटिंग स्पेन का नेशनल गेम है। आपने इंडिया में भी बुल से रिलेटेड कोई गेम सुना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस सुनी होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बुल से रिलेटेड इंडिया में कौन सी वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो होती है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसमें जो और एक क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहाँ पर तो सिंपल है, व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड। लैंड से अपना कितना सरफेस कवर्ड है। ऑप्शन है 30%, 20%, 40% या 70%। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर मार्क करना है। आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। आई थिंक अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं 30 और 70% में, तो बता दूं 70% अप्रॉक्सीमेटली अर्थ में वाटर है और 30% अप्रॉक्सीमेटली अर्थ में लैंड है। एग्जैक्टली वैसे ही बताऊं तो इस ऑप्शन के हिसाब से 30% है, बट एग्जैक्टली 31% अपने यहाँ लैंड है। याद रखिए, सॉरी 29% लैंड है एंड 71% वाटर है। एग्जैक्टली बता रहा हूँ, बट अमंग द ऑप्शंस यू कैन गो विद द 30%। ओके, तो ये तो पता चल गया कि अर्थ में 71% वाटर है और 29% लैंड है, अप्रॉक्सीमेटली 30% लैंड है। आपको मुझे बताना है 71% वाटर में कितना परसेंट फ्रेश वाटर है। रिमेंबर, हाउ मच परसेंट आउट ऑफ 71% फ्रेश वाटर है और कितना सॉल्टी वाटर है। ठीक है, फिर आउट ऑफ दैट फ्रेश वाटर, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है अपने यहां किस फॉर्म में, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, या तो आइस ग्लेशियर के फॉर्म में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है, या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में फ्रेश वाटर है, या रिवर लेक्स के फॉर्म में फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा है। तो कमेंट बॉक्स आपको बताना है किस फॉर्म में हमारे फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा है। पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कितना परसेंट फ्रेश वाटर है, कितना परसेंट सलाइन वाटर है, फिर आउट ऑफ फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर किस फॉर्म में है। ऑप्शन है, याद रखिएगा, आइस ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर और द थर्ड वन इज रिवर लेक्स। ओके, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट में आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कौन से रॉक एडिक्ट पे, विच रॉक एडिक्ट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। आपको पता होगा अशोका ने बुद्धिज्म अपना लिया था, कि किस रॉक एडिक्ट में ये मेंशन है। आपके सामने चार रॉक एडिक्ट मेंशन है, आप उसमें से करेक्ट आंसर पे मार्क करना है आपको। इसका करेक्ट आंसर वुड बी टिपिकल, इसका आंसर है ए। याद रखिएगा, भाबरू रॉक एडिक्ट जो है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है जयपुर के पास में, उस रॉक एडिक्ट पे रिमेंबर इट इज मेंशन अबाउट दैट अशोका कन्वर्टेड इनटू अ बुद्धिज्म। ओके, तो याद रखिएगा ये रॉक एडिक्ट मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान में लोकेटेड है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ में आते हैं, फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। सोप बबल अटेन्स अ स्फेरिकल शेप, जो सोप बबल होता है वो स्फेरिकल शेप अटेन करता है, आपको बताना है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ऑप्शंस आपके सामने, सरफेस टेंशन, इनर्शिया, प्रेशर या विस्कोसिटी। तो जिसने बेसिक साइंस पढ़ी होगी इट वुड बी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर हिम। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, सरफेस टेंशन। रिमेंबर, सरफेस टेंशन की वजह से सोप अटेन्स द स्फेरिकल शेप। ओके, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पावर ऑफ द लेंस। तो अगर आपको पावर ऑफ द लेंस पता करना है कितना होता है, दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई थिंक आपको ऑप्शन में गेस करना है, दैट इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के इक्वल होता है मतलब पावर इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। दूसरा है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब 1/फोकल लेंथ। ओके, हाफ ऑफ द फोकल लेंथ या डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो आई थिंक आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा, ऑफकोर्स हम इसको मेजर डायोप्टर में करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज बी, याद रखिए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज पावर इक्वल्स टू 1/f। रिमेंबर, ठीक है, तो इसका आंसर इज वेरी इजी, बी आंसर था। ओके, तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। मैं आपको बता दूँ इस बार का जो कट ऑफ है दैट इज गोइंग टू बी 8 मार्क्स, दैट इज 8 क्वेश्चन इज द कट ऑफ। तो आई थिंक आपने 8 क्वेश्चन अगर स्कोर किया होगा तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं।
ओके okay, अगर नहीं क्वालिफाई किए स्टिल आई थिंक आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिले होंगे विच आर ट्रिकी और आपको एग्जाम में आपके नेक्स्ट एग्जाम या आपको एग्जाम देंगे उसमें आपको बेनिफिशियल होंगे ओके okay? तो अगर आपको जरूर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ओके okay? इसलिए हम 10 क्वेश्चन करें एटलीस्ट 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे तो इट विल मेक द 15 क्वेश्चन तो इससे एक टू वे कम्युनिकेशन होता है तो आप कमेंट करते रहे मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ ओके okay? अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू